दिन साथियों, डबल महाराष्ट्र केसरी पहलवान चंद्रहार दादा पाटिल यूथ फाउंडेशन आयोजित कार्यक्रम जो सांगली ने एक संकल्प लिया हुआ है, 1,00,000 यूनिट हिंद की सेना को समर्पित करनी है। और साथियों, राष्ट्रों में राष्ट्र महाराष्ट्र जो मेरी भी आज कर्म भूमि है, हमें भी इन्होंने सहारा दिया हुआ है। और यहाँ सांगली जिला से एक शुरुआत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वर्दी पहन करके देश की सेवा की जा सकती है। हम ऐसे कार्य करके भी देश के साथ में अपने कंधा से कंधा मिलाकर के भागीदार हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक कार्य है। तो मैं पूरे भारतवर्ष के युवाओं से यही अनुरोध करता हूँ कि जो पहलवान चंद्रहार दादा ने संकल्प लिया है, और उसने स्वयं के लिए नहीं लिया संकल्प, नहीं लिया है संकल्प, लिया है हमारे हिंद के सेनानियों के लिए, हिंद के सैनिकों के लिए। क्योंकि आज मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है कि खून की क्या वैल्यू होती है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो 17 बोतल मुझे खून का लगा था। अगर कोई डोनेशन नहीं करता तो आज नायक दीपचंद आपके सामने नहीं रहता। तो जितने भी मेरे देश के युवा हैं, भले ही उन लोग वर्दी ना पहनी हो, देश की रक्षा के अंदर, देश के जो रक्षा कर रहे हैं उनका सहयोग करने के लिए इस मुहिम के अंदर आप शामिल होइए और चंद्रहार दादा पाटिल का साथ दीजिए। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस राष्ट्र के सैनिकों के लिए कर रहे हैं। अभी यहाँ महाराष्ट्र से लगभग 1,000 युवा दिल्ली के अंदर हमारा जो RR हॉस्पिटल है वहाँ पर ब्लड देने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक शुरुआत है हमारे युवाओं के लिए, जो आजकल फेसबुक, ट्विटर और इसके ऊपर बैठे रहते हैं। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि कैसे हम सेनानियों का सम्मान करें। तो ये ब्लड देकर के भी हम सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग के अंदर भी हमने बहुत आविष्कार किए हैं। आज आपको पता है जीरो का आविष्कार हमने किया, कितने ग्रह हमने छोड़े, हर चीज का पता कर सकते हैं। मगर साथियों, ब्लड का आविष्कार हमने आज भी नहीं किया, किसी भी नहीं किया है। आज भी हमें मानव श्रृंखला के ऊपर ही डिपेंड है, तो इंसानों को ही हमने खून देना पड़ता है। तो खून की कितनी अहमियत होती है, चाहे हम लोग आज कितने भी बड़े योद्धा बन जाएं, मगर आज भी हमें ब्लड के लिए एक दूसरे का सहारे की जरूरत होती है। तो एक दूसरे का सहारा, और ये चीजें भी सिखाता है ब्लड डोनेशन, ये भी सिखाता है रिलेशन, भी सिखाता है। इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी नहीं होता। ब्लड एक ऐसी चीज होती है किसका कहाँ पर चढ़ता है, इसमें कोई रिलीजन नहीं होते हैं। तो आप सोचिए कि कितना मधुर एक संदेश भी है कि खून जो रहता है किसकी सांसें बचा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक ब्लड अगर आप खून देते हो, एक यूनिट अगर आप खून देते हो, तो 6 व्यक्तियों की हम लोग जान बचा सकते हैं। तो मैं चंद्रहार दादा का भी धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है और वो संकल्प इस राष्ट्र को समर्पित है। और पूरे देशवासियों को भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सकता है भारी तादाद में आकर के आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।